सो भाई नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मशरूम ब्लॉग्स ऑफिशियल। दोस्तों आज आपके सामने है भाई किया सोनेट। जैसे आप देख पा रहे हैं भाई गाड़ी मैट कलर में है। सबसे बड़ी बात तो यही मुझे लगी क्योंकि भाई कोई भी कंपनी आपको अभी तक मैट कलर में गाड़ी नहीं प्रोवाइड करती है, जो कि यहाँ पे किया लेके आई है। और भाई सोनेट की ये स्पेशल एडिशन है, यानी कि एक्स लाइन। भाई एन लाइन आपने देखा होगा और अभी हम देख रहे हैं एक्स लाइन वेरियंट सोनेट का, जहाँ पे आपको कॉस्मेटिक चेंज आपको देखने को मिलेगी, यानी कि ग्लॉसी ब्लैक कलर में आपको हर एक जगह में लाइनिंग वगैरह आपको देखने को मिलेगी। तो एक स्पेशल एडिशन है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं सोनेट। और इसका अगर मैं वेरिएंट की बात करूँ भाई, एक्स लाइन तो है और ये गाड़ी आपको सिर्फ और सिर्फ ऑटोमेटिक के साथ आपको मिलने वाली है। प्राइस शुरू होती है इसका, एक शुरू प्राइस वो है 13.39 लाख है। तो चले मैं बात करते हैं इससे न्यू स्पेशल एडिशन किया सोनेट की एक्स लाइन के बारे में। तो भाई जैसे कि एक कॉम्पैक्ट एसयूवी है एंड भाई मैट कलर में है। सबसे बड़ी बात तो मैंने जैसे आपको पहले ही बता दिया कि मैट कलर में आपको यहाँ पे किया आपको यहाँ पे ऑफर कर रही है। भाई पहले मैं आपको कलर दिखा दूँ, भाई ग्रे कलर में देखिए पूरी मैट कलर में गाड़ी आपको मिलने वाली, पूरा बॉडी मैट कलर में है। रूफ आपको मैट में मिलेगा, रूफ रेल आपको यहाँ पे सिल्वर कलर में आपको दिया जा रहा है, वो भी सैटिन सिल्वर कलर में। ओके, एंड इसका जो बी पिलर जो है वो आपको मिलेगी ब्लैकआउट में, एंड आपको यहाँ पे बेड लाइन वगैरह क्रोम में दी जा रही है। तो स्टार्टिंग करते हैं फ्रंट से। तो भाई ये रहा इसका फ्रंट का सेक्स, ग्लॉसी से ज़्यादा मैट कलर का जो लुक्स है वो काफ़ी एनहांसिंग लगता है, जैसे कि आजकल के बाइकों में मिलता है वैसे अभी आपको कार में भी मिलने वाली है। तो भाई ये रहा इसका फ्रंट का सेक्शन किया सोनेट एक्स लाइन का। और अगर देखेंगे इसका हेडलाइट का सेक्शन तो यहाँ पे आपको मिल जाती है भाई क्राउन ज्वेल एलईडी की हेडलाइट, जो कि आपको मिलती है एलईडी में विथ यहाँ पे डीआरएल आपको यहाँ पे मिल जा रही है, देखिए भाई। ओके, नीचे देखोगे तो आपको यहाँ पे मिल जा रही है फॉग लाइट का सेक्शन, प्लस यहाँ पे आपको क्रोम का सराउंडिंग ग्लॉसी ब्लैक कलर का सराउंडिंग के साथ मिलने वाली है। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, भाई किया अपनी गाड़ियों में बहुत सारे फीचर जो है एड ऑन कर चुकी है, तो आपको एक फुल्ली लोडेड गाड़ी आपको मिलने वाली है। अगर ग्रिल देखोगे तो यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक कलर का पूरी तरह से यहाँ पे ट्रीटमेंट की गई है, देखिए यहाँ पे पूरी तरह से आपको ग्लॉसी ब्लैक कलर का ट्रीटमेंट आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको हल्का फुल्का जो टेक्सचर आपको नजर आने वाली है, देखिए भाई यहाँ पे भी न्यू किया का लोगों के साथ आती है गाड़ी अभी। और नीचे अगर देखोगे तो भाई नीचे आपको यहाँ पे पियानो ग्लॉसी ब्लैक कलर का स्किड प्लेट आपको यहाँ पे दी जा रही है, जो कि एक गाड़ी को थोड़ी सी स्पोर्टी एंड प्रीमियम भी बनाती है। तो भाई ये रहा इसका फ्रंट का सेक्शन सोनेट एक्स लाइन का, जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो चलिए अभी दिखाते हैं इसका साइड प्रोफाइल। तो भाई ये रहा इसका साइड प्रोफाइल, कॉम्पैक्ट एसयूवी है तो भाई उसी हिसाब से इसका जो है लेंथ विड्थ एंड इसका जो हाइट आप देख पा रहे होगे स्क्रीन के ऊपर कितना क्या है। और अगर मैं बात करूँ इसके ग्राउंड क्लियरेंस की तो सबसे ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस आपको इस सेगमेंट में किया सोनेट आपको ऑफर करी है, 211 mm की। ओके, तो भाई इधर से दिखा देते हैं, फिर थोड़ा अंधेरा हो रहा है ना, तो इधर से देख लीजिए। तो भाई ये रहा इसका साइड प्रोफाइल एंड ऑटोमेटिक के साथ आती है, तो ऑटो का यहाँ पर ब्रांडिंग क्रोम में दी जा रही है। ग्लॉसी ब्लैक कलर का ओवर बेम विथ टर्निंग इंडिकेटर यहाँ पे आपको मिल जा रहा है। क्रोम की डोर हैंडल्स काफ़ी चौड़ी मिलेगी विथ रिक्व सेंसर का बटन, यानी कि आपको भाई ऑटोमेटिक है, टॉप एंड वेरिएंट है, एक्स लाइन है तो आपको मिलने ही वाली है ना। पुश स्टार्ट बटन का स्विच तो कीलेस एंट्री के साथ आपको मिलने वाली है। फुल बॉडी क्लैडिंग के साथ आती है गाड़ी, भाई एसयूवी गाड़ी है, कॉम्पैक्ट एसयूवी मानता हूँ, लेकिन एसयूवी सेगमेंट जो भी गाड़ी आती है तो फुल बॉडी क्लैडिंग साथ आती है, जो कि उसके लुक को और थोड़ा सा एनहांस भी करती है, और ये आपको जो छोटे मोटे जो स्क्रैचेस वगैरह से भी बचाती है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे देखेंगे ना, थोड़ी सी यहाँ पे देखिए भाई कर्व टाइप का यहाँ पे रखा गया है। अगर मैं टायर की बात करूँ तो आपको यहाँ पे मिल जाती है भाई अपोलो के टायर्स, डुअल टोन की अलॉय, जैसे कि देख पा रहे हो काफ़ी मस्त लगती है देखने में। टायर का जो साइज है वो है 215x60 एंड 16 इंच का आपको यहाँ पे अलॉय प्रोवाइड कर रही है। अभी बात करते इसके रियर सेक्शन की, तो भाई ये रहा इसका रियर सेक्शन सोनेट का। तो यहाँ पे आपको कनेक्टिंग बार मिल जा रहा है, लेकिन ये इल्यूमिनेटेड आपको नहीं मिलेगी, बस आपको यहाँ पे दी जा रही है। और एलईडी के टेल लाइट एक्सटेंशन आपको यहाँ पे मिल जा रही है, तो काफ़ी मस्त लगती है। होप सो आगे जाके कि अपनी गाड़ियों में इल्यूमिनेटेड यहाँ पे कनेक्टिंग बार भी देना शुरू कर दे, क्योंकि जैसे कि ह्यूंडई दे रही है वैसे भी यहाँ पे किया दे सकती है, तो ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस कंपनी से। बाकी सोनेट का ब्रांडिंग यहाँ पे आपको मिल जाती है, रिफ्लेक्टर हो गया, यहाँ पे नीचे देखोगे तो आपको एक डिफ्यूजर दी जा रही है, वो भी आपको मिलती है ग्लॉसी ब्लैक कलर में। रिवर्स पार्किंग सेंसर एंड इसका कैमरा का प्लेसिंग यहाँ पे रखा गया, देखिए भाई। तो ये रहा इसका कैमरा का प्लेसिंग, किया का ब्रांडिंग, एक्स लाइन का ब्रांडिंग। ओके, ऊपर देखोगे तो आपको यहाँ पे रियर वाइपर, डिफोगर, हाई माउंट स्टॉप लैम्प एंड यहाँ पे शार्क फिन एंटीना वो भी रखा गया है, जो कि आपको मैट कलर में मिलने वाली है।
तो ये तो हो चुकी है भाई सारा जो है कंप्लीट एक्सटीरियर की बातें, प्लस यहाँ पे एक हल्का हल्का आपको पैटर्न मिल जाती है जैसे कि आपको सोनेट मिलती है वैसे आपको यहाँ पर रखा गया है ग्लॉसी ब्लैक कलर में। तो चलिए भाई चलते हैं गाड़ी के अंदर और देखते हैं भाई आपको अंदर में क्या क्या फीचर आपको ऑफर करते हैं इस एक्स लाइन वेरियंट में। तो भाई स्टार्ट करते हैं इसके की से, तो ये रहा इसका की जिसमें आपको लॉक अनलॉक यहाँ पे इसको अगर होल्ड करोगे तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, अगर इसको होल्ड करोगे तो इसका बूट ओपन हो जाएगा। तो चलिए भाई चलते हैं गाड़ी के अंदर और उससे पहले मैं आपको दिखाऊँ इसका डोर पैनल। तो यहाँ पे भाई देखिए लेदर की ट्रीटमेंट आपको यहाँ पे दी जाती है इसके डोर पैनल में विथ रेड स्टिचिंग। पावर विंडो की स्विच आपको यहाँ पे मिल जाती है, वार्मिंग का स्विच आपको यहाँ पे मिल जाएगी, लॉक अनलॉक का स्विच आपको यहाँ पे मिल जाता है, ट्विटर का प्लेसिंग यहाँ पे दी जा रही है, प्लस इसका जो स्पीकर का प्लेसिंग है आपको यहाँ पे मिल जाती है। और सबसे बड़ी बात है भाई बोस के स्पीकर्स आपको यहाँ पे दी जा रही है किया की तरफ से, भाई साउंड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा दमदार होने वाला है। प्लस ये रहा इसका बोटो होल्डर। अभी देखते हैं भाई इसका जो ड्राइवर सीट है, भाई ये रहा इसका ड्राइवर सीट जो कि आपको मिलता है मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट के साथ, यानी कि आप आराम से इसको एडजस्ट कर सकते हो अपने हाइट के हिसाब से और आराम से बैठ भी सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए भाई गाड़ी के अंदर बैठ के बात करते हैं बाकी की बातें। तो भाई साहब आ चुके हैं गाड़ी के अंदर एंड भाई ये रहा इसका डैशबोर्ड का सेक्शन एंड आपको यहाँ पे सॉफ्ट टच देखने को मिलेगी। भाई देखिए यहाँ पे आपको टेक्सचर वगैरह आपको हल्का हल्का नजर आने वाला है। प्लस भाई सबसे बड़ी बात और सबसे खास बात सबसे अच्छी बात जो भी बोल सकते हो मुझे जो लगती है मैं बता रहा हूँ वो है ये, इसका जो टच स्क्रीन है एंड इसका जो क्लस्टर का एरिया है ना भाई दोनों इंटीग्रेटेड आपको मिलता है, यानी कि भाई देखिए एक ही आपको सेट में मिलने वाली है जो कि देखने में काफ़ी मस्त लगती है। और भाई 10.25 इंच की टच स्क्रीन काफ़ी बड़ी आपको मिलने वाली, रुकिए एक बार स्टार्ट करके दिखा देता हूँ आपको। तो भाई देखिए यहाँ पे आपको नेविगेशन वगैरह सब कुछ आपको मिलने वाला है, एंड्रॉइड एप्पल कार प्ले किया कनेक्ट का फीचर 50 प्लस फीचर आपको मिलने वाली है, ठीक है ना। तो मैप हो गया, यहाँ पे नेविगेशन कर सकते हो, मीडिया सेटअप वगैरह ब्लूटूथ सब सब कुछ आपको मिलने वाला, यानी कि आपको फुल्ली अपग्रेड वाली फीचर आपको यहाँ पे ऑफर करती है इस गाड़ी में आपको मिलने वाली। भाई ये वेंटिलेटर सीट आपको यहाँ पे ऑफर करती है किया, देखिए भाई इसका जो फ्रंट रो है ना वो आपको मिलेगी वेंटिलेटर के साथ, और इसको अगर आप प्रेस करोगे देखिए इसका कंट्रोल धीरे धीरे अप एंड डाउन भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे फ्रंट रो जैसे कि भाई सीट हो गई ना, यहाँ पे देखिए बोर दिख रहा है ना आपको, तो ये आपको मिलेगी वेंटिलेटर के साथ, और सीट भी काफ़ी आपको मस्त मिलने वाली, यानी कि बकेट टाइप की सीट आपको यहाँ पे दी जा रही है, काफ़ी आपको जो कंफर्ट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो अभी बात करते हैं बाकी फीचर्स की, तो भाई देखिए इसका जो एसी के वेंट्स है वो आपको मिलते हैं वर्टिकली, और भाई देखिए ग्लॉसी ब्लैक कलर का यहाँ पे भी ट्रीटमेंट वगैरह को मिल जाते हैं इसके एसी वेंट के ऊपर में। बाकी जैसे कि बता रहा था यहाँ पे तो फिजिकल बटन आपको मिल जाती है, और रियर व्यू का भी एक बटन आपको यहाँ पे दी जा रही है, अगर आप चाहते हो तो भाई यहाँ से इसको पुश करके रियर व्यू भी आप आराम से ले सकते हो। और ये रहा इसका ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का यूनिट का सब सारा स्विचेस, एंड अगर नीचे देखो तो आपको यहाँ पे मिल जाती है भाई वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन, एंड भाई ये रहा इसका यूएसबी का पोर्ट, यानी कि फर्स्ट चार्जर आपको मिलेगी एक यूएसबी पोर्ट आपको यहाँ पे दी जा रही है। ये रहा इसका 12 वोल्ट का मोबाइल चार्जिंग सॉकेट, एंड इसका जो सेंट्रल कंसोल देखोगे तो यहाँ पे भी आपको ग्लॉसी ब्लैक कलर का ट्रीटमेंट आपको यूज किया गया, तो पूरी आपको बाहर मिलेगी अंदर भी मिलेगी ग्लॉसी ब्लैक कलर जो है भर दिया गया ताकि आपको एक गाड़ी एक गाड़ी आपको एक प्रीमियम टाइप की आपको फील करवाए उसी हिसाब से इसको बनाया गया है। एंड अगर बात करें इसके क्लस्टर की तो भैया रहा इसका फुल्ली डिजिटल क्लस्टर जो कि देखने में भाई अलग लेवल की लग रही है। अगर इसको एक बार स्टार्ट कर दूँ और एक बार स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है ना। तो भाई देखिए यहाँ पे ऑडोमीटर स्पीडोमीटर वगैरह सब कुछ आपको ट्रिप ए ट्रिप बी हो गया, यहाँ पे सब कुछ आपको मिलने वाली है डिजिटली। और अगर देखिए एवरेज वगैरह यहाँ पे शो करेगी, एक्यूरेट इन्फो हो गया, यहाँ पे ड्राइव इन्फॉर्मेशन हो गया, फुल इकोनॉमी हो गया देखिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको तो देखिए ट्रैक्शन कंट्रोल यहाँ पे स्नो मड एंड सैंड तीनों मोड आपको मिल रहा है। अगर आप इसका ट्रैक्शन कंट्रोल का जो स्विच अगर प्रेस करोगे देखिए भाई जैसे प्रेस करें अभी तो यहाँ पे आपको तीन मोड आपको शो करें जिस हिसाब से आप गाड़ी चलाते हो, जिस रोड के हिसाब से आप गाड़ी चलाते हो उसी हिसाब से आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। देन अगर ड्राइव मोड अगर आप करोगे देखिए यहाँ पे तीन मोड आपको मिला है, इको नॉर्मल एंड स्पोर्ट मोड, तीनों मोड आपको मिला है। तो आप आराम से इसको कहीं पे भी लेके जाइए, कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस सबसे ज़्यादा मिलता है 211 mm की, तो उसी हिसाब से गाड़ी में भी आपको मोड्स वगैरह भी मिल रहा है यहाँ पे। तो ये हो गया इसका क्लस्टर का एरिया, और ये भाई रहा इसका लाइट के कंट्रोल्स, और ये रहा इसका ऑटोमेटिक आप रेन सेंसिंग वाइपर सब कुछ मिलेगा वो है ये वाली, ठीक है ना। और ये इसका स्टेयरिंग व्हील फ्लैट बॉटम विथ लेदर रैप, यानी कि आपको एक मजबूती टाइप की यहाँ पे फीलिंग आने वाली जब आप गाड़ी को चलाओगे, एंड स्पोर्टी टाइप की फील आने वाली है। ऑडियो के सारे कंट्रोल्स वगैरह आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, टेलीफोन के कंट्रोल्स वगैरह, एंड ये इसका क्रूज कंट्रोल प्लस आपको सेटिंग के सर्विसेज आपको यहाँ पे दी जा रही है, एंड ग्लॉसी ब्लैक कलर का ट्रीटमेंट आपको यहाँ पे मिलता है, प्लस आपको सोनेट का एक ब्रांडिंग आपको यहाँ पे बॉटम में दी जा रही है, ठीक है ना। तो भाई काफ़ी मस्त वाली जो यहाँ पे सब कुछ रखा गया है, ग्लॉसी ब्लैक कलर यहाँ पे भी रखा गया है, यहाँ पे रखा गया है, यहाँ पे रखा गया है, हर एक जगह में रखा गया है। तो ये होगी फ्रंट रो की बात है। ऊपर देखो तो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक आयर बैम हुई थी, एसओएस के बटन, रोड से रेस्टेंट एंड किया कनेक्ट जैसे मैंने आपको बताया था भाई कनेक्टिंग फीचर के साथ आती है, तो यहाँ पे इसका बटन भी आपको मिल जा रहा है।
और ये रहा इसका भाई रीडिंग लैम्प जो कि आपको मिलती है हैलोजन में, और भाई ये रहा इसका सनरूफ का स्विच प्लस ये रहा इसका सनग्लास होल्डर। तो भाई ये रहा इसका सनरूफ देख लीजिए। ओके तो सनरूफ तो आपको पता ही होगा क्या सोने मिलता है, तो ये रहा इसका सनरूफ और जिसका स्विच आपको यहाँ पे दी जा रही है। ओके तो ये हो चुकी है फ्रंट रो की बातें, और अभी बात करते हैं इसके गियर की। ये भाई ऑटोमेटिक के साथ आते हैं, जैसे मैं आपको पहले बता दिया ऑटोमेटिक गियर लीवर के साथ आती है गाड़ी। एक्स लाइन टर्बो में लेते हो तो उसमें आपको 120 पीएस की पावर मिलेगी एंड 172 एनएम का टॉर्क मिलने वाला है। और ये जो गाड़ी है आपको नॉर्को टर्बो प्लस आपको डीजल इंजन के साथ भी आपको मिल जाएगी सोनेट की एक्स लाइन जो है। बाकी बोस की यहाँ पे ब्रांडिंग देख पा रहे हो, अगर देखेंगे इसका ग्लो बॉक्स तो ये रहा इसका ग्लो बॉक्स। भाई देखिए इस साइड देखेंगे तो आपको यहाँ पे पुश स्टार्ट बटन का स्विच मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल का आपको यहाँ पे एक बटन मिल जा रही है, फ्रंट पार्किंग सेंसर का एक बटन आपको यहाँ पे दी जा रही है एंड लाइट लेवल का स्विच आपको यहाँ पे मिल जाता है। और ये रहा इसका कप होल्डर, ये रहा इसका फ्रंट आर्म रेस्ट। अगर इसको उठाएंगे तो भाई यहाँ पे आपको हल्का फुल्का स्टोरेज भी मिल जा रहा है। और यहाँ पे देखिए भाई आपको वेंट्स भी आपको मिल जाता है, देखिए यहाँ पे आपको वेंट्स मिलने वाली है। तो भाई ये रहा इसका सेकेंड रो किया सोनेट एक्स लाइन का। तो चलिए भाई बैठ के ही बात करते हैं। तो यहाँ पे आ चुके हैं इसके सेकंड, और इसको ओपन कर देते हैं। अभी थोड़ा सा जो है लाइट अच्छे से गिर रहा है अंदर। तो यहाँ पे मिल जाते हैं भाई रियर एसी के वेंट्स, यहाँ पे आपको ग्लॉसी ब्लैक कलर का ट्यूटर मिल जाती है, यहाँ पे एक फास्ट चार्जर का ऑप्शन मिल रहा है एंड यहाँ पे एक स्पेस दी जा रही है। और एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, मैं देखिए रियर में आपको कटर्स आपको मिल जा रही है, देखिए ये कंपनी फिटेड आपको मिलेगी, ठीक है ना। तो ये आपको मिलेगी कंपनी फिटेड रियर कर्टन्स का भी आपको यहाँ पे फीचर मिलने वाला है। बोस के स्पीकर्स का भाई ब्रांडिंग हर एक जगह में आपको मिल जाती है एंड यहाँ पे भी आपको सॉफ्ट लेदर की टच आपको मिलने वाली विथ रेड स्टिचिंग, पावर विंडो का स्विच, यहाँ पे बोटो होल्डर एंड ऊपर देखो तो आप यहाँ पे जिसका जो रूफ है वो आपको पूरी ब्लैक में मिलते हुए ब्लैक थीम के ऊपर पूरी बेस की गई गाड़ी को, यानी ग्लॉसी ब्लैक एंड यहाँ पे रूफ भी ब्लैक दी गई है। ये रहा इसका भाई रीडिंग लैम्प, सेकेंडरी रीडिंग लैम्प जो कि आपको मिलता है सेंटर में हैलोजन में। बाकी ग्रैब हैंडल हो गया यहाँ पे और रियर आर्म रेस्ट विथ कप शोल्डर पूरी कवर में गाड़ी। ये रहा इसका हेडरेस्ट एडजस्टेबल फ्रंट, सॉरी फ्रंट में भी मिलेगी एडजस्टेबल, रियर में मिलेगी एडजस्टेबल। ये रहा इसका पार्सल ट्रे। ओके तो यही आपको मिलने वाली इसके सेकंड रूम में। स्पेस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आराम से आप बैठ सकते, कोई दिक्कत नहीं आ रही मुझे, बस मुझे थोड़ा सा थाई से थोड़ा सा कम मिल, लेकिन यहाँ पे तीन बंदे मेरे जैसे तो बैठ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा उनको शोल्डर रूम में प्रॉब्लम आ सकती है। मेरा जो हाइट है वो 6'3" का, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अगर मेरे से कम हाइट के बंदे यहाँ पे बैठेंगे तो तीन बंदे आराम से बैठ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और थाई सपोर्ट जैसे कि मैंने आपको बताया थोड़ा सा मुझे यहाँ पे कम लग रहा है। तो यही है भाई जो है इसका सेकेंड रो का स्पेस वगैरह एंड जो फीचर वगैरह आपको मिलने वाली है किया सोनेट के एक्स लाइन में। तो चलिए देखते हैं इसका बूट स्पेस। ओके तो करते हैं इसको ओपन। तो भाई ये रहा इसका बूट स्पेस, 392 लीटर का आपको यहाँ पे मिलता है बूट स्पेस। और भाई ये रहा इसका सब ऊपर का प्लेसिंग बोस के। ये रहा बूट लैंप, अगर इसको उठाओगे तो इसका स्पेयर व्हील इसके नीचे आपको मिल जाता है। तो काफ़ी फ्लैट फ्लैट है, यानी कि इधर भी फ्लैट है उधर भी फ्लैट है, तो काफ़ी अच्छा खासा जो है आप यहाँ पे सामान रख सकते हो। काफ़ी बड़ी भी लगती है देखने में भाई, देखिए काफ़ी बड़ी भी लगती है। और ये रहा इसका पार्सल ट्रे। तो भाई करते हैं इसको अभी बंद। तो अभी बात आती है सेफ्टी फीचर्स की। तो भाई इस गाड़ी में आपको 6 एयरबैग यानी 6 एयरबैग को मिलने वाली है, एबीएस विद ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, ब्रेक असिस्ट, फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर। उसके साथ आपको यहां पे टीपीएमएस यानी कि टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम भी आपको मिलने वाली है इस गाड़ी के साथ। तो भाई सेफ्टी के हिसाब से भी अच्छा खासा फीचर आपको यहाँ पर मिलने वाली है किया सोनेट की एक्स लाइन में। तो अभी बात आती है प्राइसिंग की। ये है डीजल वेरियंट ऑटोमेटिक वाली, और पेट्रोल के साथ आपको मिल जाएगी, लेकिन पेट्रोल में आपको ये मिलेगी टर्बो के साथ, टर्बो पेट्रोल यानी कि 1.4 के साथ आपको मिलने वाली है। तो डीजल इंजन का जो डीजल वेरिएंट का जो प्राइस एक्सरूम प्राइस जैसे 13.99 लाख का इसका एक्सरूम प्राइस है डीजल वेरिएंट का। और जो ऑन रोड जो प्राइस है राउरकेला का, भाई मैं आपको ये भी बता दूँ कि भाई ये है किया शोरूम राउरकेला में, लोकेशन एंड कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। और जो ऑन रोड जो प्राइस है किया सोनेट एक्स लाइन डीजल वेरिएंट की वो है 16.06 लाख। तो भाई 16.06 लाख में आपको ये गाड़ी मिल जाएगी डीजल में। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो इससे किया सोनेट न्यू स्पेशल एडिशन एक्स लाइन के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा। मिलता है रोडो में, धन्यवाद।